तो गाइस स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग आ गए हैं झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ और इसी का चढ़ाई करने वाले हैं। हम हैं, मेरे साथ दोस्त यार भी है और हम लोग बाइक से चढ़ाई करने वाले हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा कि बाइक का चढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर वीडियो में आगे। गाइस यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और जस्ट यहाँ से बाय रोड 4 किलोमीटर जाने के बाद पहाड़ी का जो चढ़ाई का रास्ता है वो आ जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं और जब भी आए तो भटक ना जाएं, आगे पीछे ना चल जाएं, इसीलिए हम आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं और लोकेशन तो डाल ही देंगे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। पहाड़ी के नीचे का व्यू है ये जो आप देख रहे हैं। बाइक चढ़ाने हम लोग को नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। चल मंगल जी, गाड़िये को भेजिएगा, वही करना पड़ेगा। ये गाड़ी भेज देते हैं, अगर अगर आगे मारेगा तो नहीं सब घूम जाएंगे। देखने। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग आधा दूर चढ़ चुके थे, मतलब 2-3 किलोमीटर चढ़ चुके थे और फिर इस शिवम जो है पीछे पल्सर वाला, उसके कारण पता नहीं कोई परिचय था तो अभी बाइक से हम लोग को जाने का मंजूरी मिल चुका है और हम लोग रोड में निकल चुके हैं। और दो बाइक आगे गया है, वो भी आ रहा है। अब आएगा वीडियो में मज़ा कि सचिन। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही रास्ता से हम लोग पारसनाथ का ऊपर जहाँ मेन मंदिर है वहाँ तक पहुँचेंगे और मेरा सारा दोस्त लोग आगे निकल चुका है, हम ही खाली पीछे रह चुके हैं और कैमरा भी हम लोग को थमा दिया है। और ये रास्ता में क्या बोलते हैं, पुलिस चौकी जहाँ नहीं है ऊपर पहाड़ के ऊपर, वहाँ तक ये रास्ता जाता है। तो बहुत ही सीक्रेट रास्ता है, इसमें सबको जाने नहीं देता, हम लोग लोकल हैं उसके चलते हम लोग को अलाव मिल गया। आप लोग आए तो प्रशासन से या फिर किसी तरह क्या बोलते हैं उसको परमिशन ले लें ताकि ऊपर चल के आप लोग को दिक्कत ना हो। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम लोग नीचे से मतलब बात कर लिए हुए हैं तो परमिशन मिला था, हम लोग जा रहे हैं, पहचानता था इसके चलते परमिशन मिल गया। लेकिन आप अपना देख लीजिएगा तभी रास्ता में आइएगा। और आप लोग जब भी आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हेलमेट और क्या बोलते हैं ग्लोव्स सब पहन के आए, अपना सेफ्टी को बरकरार रखें ताकि रास्ता बहुत खराब है और जरा सा भी मिस्टेक आपका जान ले सकता है। और ये तो अभी चौड़ा वाला रास्ता देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे जब घाटी वाला रास्ता प्रारंभ होगा तो वहाँ से क्या है, हल्का सा मिस्टेक करिएगा आप घाटी में गिर जाइएगा, जो कि हल्का सा मिस्टेक आपका जान ले सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आए पारसनाथ और ये रास्ता से अगर ट्रेवल करें तो सेफ्टी फर्स्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जब भी आइएगा अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रास्ता से चढ़ाई करिएगा और परमिशन ले लीजिएगा जरूर। तो चलिए आगे आप सभी को घाटी वाला रास्ता हम दिखाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पैदल रास्ता इधर से हम लोग बाइक चढ़ाएंगे, ये बाइक वाला रास्ता इधर का रास्ता होता है ना बाइक। देखिए भाई साहब रास्ता इसको बोलते हैं, बहुत डेंजर, धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे। ओए ब्रो कैमरा वाला बैग दे दे भाई, कैमरा वाला बैग दे दे, कैमरा वाला बैग, डीएसएलआर वाला बैग किसके पास है? लगता है बैग दो बैग, बहुत दिक्कत हो रहा है रखने में। रास्ता देख रहे हैं आप लोग, लोग जन्नत में एंट्री करने हैं जा रहे हैं। गाइस ये खाई है, देख सकते हैं कितना गहरा है। और इधर सामने दिखाइए सर, ये सामने जो
आपको दिख रहा है सबसे ऊंचा धुआं धुआं जैसा, वहीं पे हम लोग बाइक के जरिए चढ़ने वाले हैं। तो ये हम आपको बोले थे कि खाई वाला रास्ता दिखाएंगे, घाटी वाला रास्ता, वो यही रास्ता है और इसी के जरिए हम लोग सबसे ऊंची चोटी जो है अपना झारखंड का पारसनाथ, उसका चढ़ाई कर रहे हैं आज। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जो बाइक राइडिंग से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बाई ब्लॉग्स बना रहे हैं जो कि, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मजा लीजिए। हम लोग आज आप लोग को बहुत चीज दिखाने वाले हैं और वो भी सीक्रेट सीक्रेट चीज दिखा रहे हैं। आप लोग को तो पता ही है हम लोग जो भी दिखाते सीक्रेट चीज दिखाते हैं। आज से दो दिन पहले हम लोग का वीडियो आया था बड़ाकर जैन मंदिर का, वो भी बहुत ही एंटिक चीज है, वहाँ पे 400 करोड़ का मंदिर बना हुआ है, वो भी उसमें दिखाए, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। रोड बहुत खराब है जी, साला गाड़ियाँ चलावे माथा, देखना देखना संभल के संभल के। हाँ भाई बड़ा डेंजर है यार, हल जगह पत्थर भी तो निकल गए ना, माथा ओकरे में खराब है वो हमने के। स्टार्टिंग में बना होगा रोड, उस टाइम मजा आता है लेकिन। हाँ ये तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कितना नीचे दिख रहा है यार, से नहीं दिख रहा है, बहुत गहरा हो यार, एकदम खाई खाई गिर गए, पता भी नहीं चलते कहाँ जी बीच है। हम लोग गाँव से हैं तो हम लोग का सब चलता है कि, कुछ हमने कोई भी मतलब इन्वायरमेंट रहो ने ओकरा में हमने मिलजुल खा जाए, लेकिन सहरवा वाले पचपचा जा है कि वो तो ही है। दो दिन हमने के गांव में आके देख लेने पता चल जी तो गांव के हवा की होवे, सबसे मजेदार चीज क्या लग रहा है, पेड़ पौधा जो है ना दोनों साइड से एकदम लगता है मस्त एकदम, कहाँ पहुँच गए ये स्वर्ग जैसा, वैसा फील होता है यार। ऐसे इसको थोड़े बोलता है कि झारखंड का स्वर्ग है। अरे बेटा गाड़ी हम लोग का बंद हो गया जी, जय हो बजरंगबली, गर्मा गया, चालू हो गया, गर्मा गया, गर्मा नहीं जाएगा, इतना रगड़ रहे तकलीफ से, ऊपर से चढ़ रहा है ना, चल रहे हैं चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है रोड वो जो इतना डेंजर बना हुआ है, बहुत डेंजर, देख रहे कितना गड़ा गड़ा गड्ढा गड्ढा, देखो कितना गड्ढा है कैमरा में, लेकिन कैद नहीं हो रहा है कैमरा में, कैद कैसे होगा, जो आंख देख सकता है वो कैमरा थोड़ी देख सकता है, बताइए हम लोग इतना गड्ढा गड्ढा वाला सीन अभी देख ले रहे हैं, वो कैमरा थोड़ी देख पाएगा, उसको लगेगा कि है नजदीक में है तो वही दिखाएगा जी, बात ही है। खाली पत्थर पत्थर निकला है, इधर माथा खराब हो गया, गाड़ी का आवाज इधर, ए चचा रे ए भाई कैमरा वाला बेगा दे दो भाई, कहाँ है भाई, सचिन कैमरा वाला बैग कहाँ है, देखिए तो सर नदी बात है, यह रास्ता है वो जेकर से हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं आज पारसनाथ का, जिंदगी भर याद रखेंगे कि पारसनाथ का पहाड़ी चलने से ज्यादा मुश्किल तो गाड़ी चलाने में है जी, पूरा लंबा वीडियो बना दे रहे हैं जी, एकदम देखते रहिए दिल खोल के, एकदम आराम से बैठा रहिए और देखते रहिए। अब वीडियो शूट कर रहे थे का इतना देर से, हम बड़बड़ा रहे हैं, अब वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना ले रहे थे, अरे तेरी सोचे क्या जानते हो, भाई लोगों को दिखाए थोड़ा वीडियो, अरे हम लोग हम लोग थोड़ा दोसर जैसन बोलते हैं भाई, तो बुरा नहीं मानिएगा, गांव से हैं इसीलिए ऐसे बोलते हैं, हम लोग शहरी नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं हम लोग, जुगाड़ू भी बना लेते हैं हम लोग, झारखंडी है भाई, झारखंडी झारखंडी सी हो, और दूर से ना गिरिएडी सी हो, सहरवा वाले ने एगो ब्लॉगर बनता है, टूटते साला पैसा रहता है ढूंढ के, एगो ट्राइपॉड खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, और हम लोग यही एगो छोटा मोटा मोबाइल खरीद लियो दादा 20,000 के, ओकरे से वीडियो शूट कर रहा लियो और तोहनी के दिखावे के प्रयास कर रही हो, ट्राइपॉड हमने जो ना हो कहना से इन्हें उन्हें पैसा लान लान के 250 जमा कर लियो और एगो लियो सेल्फी स्टिक ओकरे हाथ में रखा हियो और वीडियो बनावा हियो, जान ली कि ना, अब कैसन लागलो से तोहनी हमारा बताइए भैया। देखिए हम लोग का दोस्त लोग इधर क्या बोलते हैं इधर से ही आया, और अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कस्टमर रहता है जिसको बाइक के जरिए ऊपर मंदिर तक पहुंचाता है, और ये सीन है इधर का काफ़ी सुंदर मनमोहक, और ये देखिए रास्ता से कैसे चढ़ता है सर, देख रहे हैं ये पारसनाथ का जो मेन मंदिर है वहाँ तक इसको ड्रॉप करेगा,
बाइक के जरिए पहुंचाता है और उससे पैसा चार्ज करता है। और ये सीन है यहाँ का, और इस पर हम लोग कुछ कुछ फोटो खींच रहे थे। कितना लेते आप लोग चढ़ाने में? कितना लेते चढ़ाने? 2000। एक बार में गजब, एक बार पैरों ने रखते निकाल देते हर जगह। सारी सवारी इसी बात से उतार दे रहे हैं। रास्ता है यार, ऊपर से हवा निकल गई मेरा गाड़ी है ना, और माथा खराब लग रहा है। वहां दूर पे पहाड़ी पे आपको दिख रहा होगा मेन मंदिर, हल्का सा दिख रहा होगा, वहीं पे हम लोग का जाना है। और बच्चा है, हम लोग अभी 15 किलोमीटर चढ़ाई कर चुके हैं बाइक से, और अभी थोड़ा बचा हुआ जो भी बचा हुआ है उसको पूरा करने के कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सीन देखिए पहाड़ी वाला, कितना जबरदस्त लग रहा है। इधर आते टाइम हम लोग फोटोग्राफी करेंगे, अभी तो जा ही रहे हैं। फाइनली पहाड़ी वाला रास्ता जो था घाटी वाला वो खत्म हो चुका है, हम लोग अब लास्ट पोजिशन पर पहुँच चुके हैं, और जहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे। इधर देख सकते हैं भीड़ भाड़ चल रहा है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, आराम से चलना। और यहाँ गाड़ी पार्किंग करनी है, उसके बाद पैदल हम लोग लगभग 1 किलोमीटर का चढ़ाई करेंगे ऊपर मेन मंदिर तक। यहाँ हेलीपैड है, यहीं पे हम लोग गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। बाइक देखिए हम लोग यहीं लगाएंगे, बाइक हम लोग बाइक पार्किंग यहीं करेंगे, पार्किंग करेंगे। और ये रहा, उतरिए। फाइनली हम लोग अपना बाइक पार्किंग में लगा चुके हैं, अब यहाँ से पैदल रास्ता पर मिलेंगे, बस 1-2 किलोमीटर या तो 500 मीटर होगा, पता नहीं शायद कितना है, देख के बताएंगे आप लोगों को कितना और जाना है। ये है हमारे झारखंड का स्वर्ग का नज़ारा। इधर हमारे शिवम बाबू, हम लोग पैदल इधर से चढ़ाई करेंगे मेन मंदिर तक। यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहीं पे हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा दिए। और ये हमारे ग्रुप, इधर कपिल भैया, सब हम लोग का दोस्त ही आ रही है। फाइनली हम लोग कम्प्लीटली, थोड़ा सा और उसके बाद पहुंच जाएंगे मेन जैन मंदिर। ये जैन मंदिर का और सबसे बड़ा मंदिर और सबसे ऊंचा जगह पे स्थित यही है अभी यहाँ पारसनाथ में। बाकी आपको उधर भी बहुत सारा मंदिर देखने को मिल जाएगा, और जल मंदिर उधर है, और इधर से उधर का जाने का भी हम लोग कोशिश करेंगे, देखते जैसा समय रहेगा। फिलहाल यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये गलियारा आप देख रहे हैं, यहाँ पारसनाथ का मेन मंदिर का है, वाइड एंगल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर का मेन द्वार है। ये जो आप देख रहे हैं यही रास्ता से हम लोग ऊपर आए हुए हैं, और यहाँ बीच में एक हेलीपैड भी बना हुआ है, और वहीं हेलीपैड के बगल में पुलिस कैंप भी है, CRPF का यहाँ पे एक कैंप है। और वो जो रास्ता घुमावदार दिख रहा है वही रास्ता से लोग ऊपर आए बाइक के जरिए। इधर बहुत सारा बंदर भी है, देख सकते हैं आप लोग।
पारसनाथ ट्रिप बाइक से हम लोग गए थे और अब रिटर्न जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।